लाइव टीवी एक्सप्रेस द नंबर वन न्यूज चैनल। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टीवी एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। हम आपको दिखाएंगे राजनीति, मनोरंजन, क्राइम, खेल और आम क्षेत्र से जुड़ी सारी अहम खबरें। तो चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। लखनऊ, राजधानी लखनऊ में जबरन हॉस्पिटल पर कब्जा किया गया, मुख्यमंत्री के आदेशों की उड़ाई गई धज्जियां। जहां एक तरफ मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी कहती हैं कि किसी भी किरायेदार के साथ बदसलूकी ना की जाए, अगर कोई ऐसा कर रहा है तो उसके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए, लेकिन यहां पर मामला कुछ और है। आलमबाग कृष्णा नगर थाना क्षेत्र एक हॉस्पिटल का है, सिल्वर लाइन के नाम से चल रहा हॉस्पिटल। अचानक लॉकडाउन लगने की वजह से, किराया न देने की वजह से मकान मालिक ने जबरन वहां के स्टाफ को बंधक बनाकर और लेडीज बाउंसर गनर तैनात कर दिए। किरायेदार को हॉस्पिटल के अंदर न जाने की धमकी दी और स्टाफ वालों से बदसलूकी, हाथापाई भी की। किरायेदार को सूचना मिलते ही तुरंत 112 पर कॉल करके पुलिस को सूचना दी और एक एप्लीकेशन भी दी, लेकिन वहां पर समझौता भी हुआ कि आप 2-4 दिन में हॉस्पिटल फिर खोल सकती हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। हॉस्पिटल का किराया 3,50,000 जाता है। इस महामारी के दौर में हर इंसान परेशान है। तकरीबन 3 साल से हॉस्पिटल बढ़िया चल रहा था, लेकिन इस लॉकडाउन की वजह से ऐसा हो गया। किरायेदार का कहना है, मुझे इंसाफ चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। किरायेदार पीड़ित को इंसाफ नहीं मिला है। अभी तक सिल्वर लाइन अस्पताल को कब्जा मुक्त कराने के लिए संचालिका ने प्रमुख सचिव से लगाई है गुहार। अब यह देखना है कि क्या कार्रवाई होती है। समीर नकवी की रिपोर्ट।